नहीं लगता है। नहीं 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 है उसको, कुछ नहीं है, मरी हुई है, मरी हुई है। ये तो हद हो गई। डॉक्टर साहब जिस महिला मरीज का इलाज कर रहे हैं उसकी पहले ही मौत हो चुकी है और यह सब कुछ होता रहा प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह के सामने। हैरानी की बात तो यह है कि पहले तो डॉक्टरों ने मंत्री को महिला की मौत की भनक तक नहीं लगने दी, लेकिन हंगामे के बाद सब कुछ साफ हो गया। यह मामला है चित्रकूट का। जिला अस्पताल का निरीक्षण करने प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह पहुँचे थे। इस दौरान मंत्री जी अस्पताल में घूम घूम कर मरीजों से बातचीत कर रहे थे, अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे थे और इसी बीच वे ऐसे महिला वार्ड में पहुंच गए जहां पर एक कमजोर महिला मरीज बेड पर आंखें खोलकर लेटी थी, लेकिन डॉक्टरों ने मंत्री को भनक तक नहीं लगने दी कि इस महिला की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, अस्पताल प्रशासन ने मंत्री से मरने वाले महिला की तीमरदार को फल भी बंटवा दिए। मंत्री के सामने लाश का इलाज करने वाले डॉक्टर्स की पोल उस वक्त खुल गई जब चित्रकूट की जिला पंचायत सदस्य मीरा भारती ने डॉक्टर्स की शर्मनाक करतूत को प्रभारी मंत्री के सामने ला दिया। उन्होंने मंत्री को इस संबंध में बताया, जानकारी दी और हंगामा शुरू कर दिया। मंत्री जयवीर सिंह दोबारा उसी वार्ड में पहुंचे और डॉक्टर से पूछताछ करने लगे तो पूरे स्वास्थ्य विभाग की सांसें अटक गई। जिस तरह की स्थिति में आई स्थिति उसकी कोई बिगड़ी थोड़ा ही यहाँ है, उसके अभी इतनी खराब स्थिति पहले तो चित्रकूट के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश त्रिपाठी महिला की मौत से इनकार करते रहे और मृतक के सीने को दबाकर उसकी सांसें दोबारा लौट आने की कवायद करते रहे, लेकिन दो तीन मिनट के बाद आखिरी में उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए और महिला को मृत घोषित कर दिया। तो लापरवाही देख रहे हैं आप। चित्रकूट के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश त्रिपाठी ने न सिर्फ मृतक महिला की जाँच की बल्कि मंत्री के हाथों से उसके तीमरदार को फल भी बंटवा दिए। जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में जिला अस्पताल के डॉक्टर्स, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा अधिकारी की शर्मनाक करतूत कैमरे में कैद हो गई। डॉक्टर्स की लापरवाही पर प्रभारी मंत्री ने नाराजगी जताते हुए चित्रकूट अधिकारी को पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच कराने के आदेश दिए हैं। हॉस्पिटल में भी गए जहाँ कुछ कमियां हुई उसकी मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हुए और वहाँ एक परिवर्तन भी किया गया। CMO वहाँ प्रभारी के रूप में 15 घंटे स्वयं उसका इंचार्ज के रूप में परीक्षण निरीक्षण करते रहेंगे और उसकी पूरी जो भी वहाँ कमियाँ पाई गई उनको पूरा DM की उपस्थिति में यह निर्णय लिया गया है कि वह एक मजिस्ट्रेट जांच उनकी करेगा और जो भी उसमें दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं इस अस्पताल की एक और तस्वीर ने हैरान किया जहां एक बुजुर्ग को एक युवक गोद में उठाकर ले जाते हुए नजर आया। यानी अस्पताल में व्हीलचेयर स्ट्रेचर की सुविधा भी नहीं थी। मंत्री का कहना है कि जिला अस्पताल में जो खामियां पाई गई हैं उनका समाधान किया जाएगा। चित्रकूट के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हर रोज 1 घंटा जिला अस्पताल में ड्यूटी देंगे और दोषी डॉक्टर्स के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। खैर, दोषियों पर कार्रवाई कब होगी और क्या होगी यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो जिस तरह से मृतक महिला का इलाज मंत्री के सामने होता रहा यह खबर हर तरफ चर्चा में बनी है। चित्रकूट से शिवम कुशवाहा की रिपोर्ट।